आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिलीज करी गई है। परमानेंट पोस्ट है तो अलाउंसेस वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपके रिलीज करी गई है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अप्लाई ज़रूर करना। डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। इसके अलावा भी आपको और डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि हम आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ पोस्ट लेके आए, तो आपको ऑब्वियसली हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा। ठीक है, बाकी की डिटेल स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी वगैरह आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, प्लस अलाउंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल 15 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगी। प्लस यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, यूजीसी के अकॉर्डिंग जो होती है, तो मास्टर डिग्री प्लस आपके पास कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइक नेट। पीएचडी है तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड करी जाएगी, नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पास पीएचडी नहीं है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप वो स्कोर कार्ड आपको अपने रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा होता है वो देखा करो। उसमें मिनिमम मार्क्स मेंशन कर रखे होते हैं कि अगर इतना वाला अप्लाई कर सकता है, लाइक किसी कॉलेज में आपके होते हैं 50 मार्क्स, किसी में 55, किसी में 60, तो वो कॉलेज का डिफरेंट होता है। अगर किसी में मेंशन नहीं कर रखा होता तो आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, अप्लाई तो कर लेंगे लेकिन सिलेक्शन तो पीएचडी वालों का होता है, ऐसा नहीं होता, सिलेक्शन आपका भी होता है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पर उनका सिर्फ नेट क्वालिफाइड था, प्लस उनके मास्टर डिग्री में अच्छे मार्क्स थे, तो दैट्स वाई उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो हर बेसिस पर डिपेंड करता है, प्लस इंटरव्यू भी होता है। तो आप इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, किस टाइप के आप क्वेश्चन के आंसर देते हो, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ देखनी चाहिए, सिर्फ इतना नहीं होता कि पीएचडी नहीं है तो हम इसमें अप्लाई ही नहीं करेंगे। स्पेशली अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पेशल कैटेगरीज की तो फीस भी आधे से ज़्यादा कम होती है, और कहीं कहीं तो आपको देखने को मिलता है वुमेन एप्लीकेंट की तो फीस ही चार्ज नहीं करती बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंड स्पेशल कैटेगरीज वालों की भी, और कहीं आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो आपकी फ़ीस भी कम होती है। तो जहाँ पे आपको देखने को मिले फीस कम है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इंटरव्यू की नॉलेज हो जाती है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, किस टाइप के इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे और औरों के इंटरव्यूज़ देखते रहोगे तो आपको इतना नॉलेजेबल नहीं बन पाओगे आप, जितना आप एक्सपीरियंस से बनते हो। तो आपको एक्सपीरियंस भी गेन करता रहना चाहिए इंटरव्यू का। चलो, आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया, इस वीडियो में मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी 500 फॉर कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एंड देयर विल बी नो एप्लीकेशन फीस फॉर कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपकी 15 पेजेस की है, यहाँ पे आपको हर डिटेल देखने को मिल जाएंगे, लाइक कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो भी, एंड कोई भी चैलेंज आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका बॉटनी, इसमें एक ही पोस्ट रहेगी जो ओबीसी के अंदर है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, 6 टोटल पोस्ट रहेगी। कॉमर्स में 32, कंप्यूटर साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7, इंग्लिश में 8, एनवायरमेंटल साइंस में 2, हिंदी में 9, हिस्ट्री में 5, मैथमेटिक्स में 5, फिजिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 15, संस्कृत में 1 एंड जॉलॉजी में आपकी पोस्ट रहेगी 3। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मेंशन कर रखा है, जहाँ पे आपको सिर्फ अनरिजर्व के अंदर पोस्ट दिखे वहाँ पे और कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका एक क्लोज होता है, उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, रिक्रूटमेंट कहाँ से रिलीज़ करी गई है मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज़ करी गई है श्री औरोबिंदो कॉलेज से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अफिलेटेड कॉलेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक आपको रिक्रूटमेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, ये इसका ऑफिशियल साइट थी, ये आपकी फर्स्ट ही रिक्रूटमेंट है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वीएस डिपार्टमेंट ऑन परमानेंट बेसिस। ठीक है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते हो कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही होता है, पहले आपको साइन इन करना है, लॉग इन करना है, यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल, ठीक है, मेंशन देयर। उसके अलावा फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।